ठीक है आते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सोच रहे सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद घर चले आए थे, तो स्टेशन अलॉट होने में लेट हो रहा था, तो अपेक्षा करते और फिर लास्ट अभी फ्राइडे को कॉल आया डिवीजन ऑफिस से कि आ जाओ, ऑर्डर आ गया है, स्टेशन का अलॉट होने का ऑर्डर आ गया है। तो मंडे को बुलाया था, तो वही सुबह सुबह निकल रहे हैं और लगभग 11 या 12 बजे तक पहुंच जाएंगे धनबाद। तो अभी प्लेटफॉर्म पे अपनी आ चुकी है ट्रेन, चलते हैं पहले प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन पकड़ते हैं उसके बाद बात करते हैं आप। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं धनबाद, जिस काम के लिए आए हैं, चलते हैं डिवीज़न एक्चुअली। और अपनी ट्रेन अभी जस्ट पहुंची है धनबाद और चलते हैं डिवीज़न ऑफिस। अभी टाइमिंग तो हो रहा है 11 बज के समथिंग कुछ मिनट हो रहा है, और सुबह में 6:30 बजे ट्रेन पकड़ लिया था, तो नाश्ता थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लिया था। अब सीधे डिवीज़न सोच लिया था कि वही डिवीज़न में चल के कैंटीन में खाना खा लेंगे, लंच कर लेंगे, चलते हैं। और पिछले एक सप्ताह 10 दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इस वजह से मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, तो इस वजह से कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन फिर हमने बोलते हैं ठीक है चलते, इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके मन की होती हैं तो अच्छा लगता है, और मन की नहीं होती है। और मेरा तो ऐसा काम मतलब अटक गया, मतलब जो सोचा था वो नहीं हो, ऐसा था मूड डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर एकदम क्या बताया, थोड़ा चलते हैं डिवीज़न, वहाँ पे अपना प्रेजेंटी लगाते हैं, उसके बाद लंच करते हैं कैंटीन में। देखते हैं आज अब इस काम के लिए आए हैं, और हम लोग का स्टेशन अलॉट होने वाला है आज है, तो अगर हो जाएगा तो अच्छा है। कम पिछले 10 दिन से परेशान है इसी के लिए, देखते हैं क्या होता है। स्वागत है आपका दोस्तों इस सेंट्रल रेलवे के धनबाद मंडल में, और अपनी वीडियो में बहुतों बार दिखाया है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। ये है धनबाद मंडल का ईस्ट सेंटर रेलवे का धनबाद डिवीज़न, और यहीं गेट पर एक टॉय ट्रेन है जिसका नाम उर्वशी है। टॉय ट्रेन नहीं, स्टीम इंजन है ये। जब स्टार्टिंग में स्टीम इंजन, भाप के इंजन चलते थे, वही है इसका, मतलब डमी रखा हुआ है। और ये सामने रहा दोस्तों रिक्रूटमेंट सेल, और ये रहा कैंटीन। पहले चलते हैं प्रेजेंटी बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों आ चुके हैं कैंटीन में, ले लिया हमने रिसीव कैंटीन का। अभी खाना में 10-15 मिनट का टाइम है, तो लेके बैठ गए, देखते हैं। अरे क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। ये भैया तो बोल रहे भाई 5 मिनट और लगेगा। दोस्तों भूख जोरों से लग रही है, क्या किया जाए। ये भाई ने मंगा लिया है बिना सब्जी के खाना। 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों 1 घंटे के बाद आ गया है अपना दाल चावल, खाते हैं। और ज़बरदस्त लग रहा है, और ज़बरदस्त इधर बारिश भी स्टार्ट हो गई है। पहले खा लेते उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों अपना जो काम पेंडिंग पड़ा था पिछले 10 दिन से, मतलब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जो अपना स्टेशन अलॉट नहीं हो रहा था और उसका ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो फाइनली आज हो गया है। लेकिन उसी के साथ दोस्तों 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। पहला मतलब पहले कौन सुनाओ, अच्छी सुनाओ या बुरी? तो चलिए पहले अच्छी सुना देता हूँ, उसके बाद बुरी सुनाता हूँ। अच्छी बात यह है कि अपना स्टेशन अलॉट हो गया है, अब हमको यहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने स्टेशन पे जाना है। और बुरी बात यह है कि जो स्टेशन अलॉट हुआ है हमको, क्या बताऊँ, जब सुना ना था मतलब मूड ही ख़राब हो गया, मतलब दिल बैठ गया। तो अपने को सिंगरौली स्टेशन है, मतलब ये पड़ता है शक्ति नगर के पास में। जो यूपी के या फिर इधर के हैं जानते हैं, शक्ति नगर, रेणुकूट, ओबरा, चौपन, शक्ति नगर पड़ता है। तो उसी से एमपी का बॉर्डर लगता है। तो सिंगरौली एक स्टेशन है, वही मेरा मुझे अलॉट हुआ है। अब कैसा स्टेशन है वो तो जो जानता है वो तो जानता ही है। तो अभी स्टेशन अलॉट हुआ, वहाँ पे मिले, लेटर मिला हमको DRM ऑफिस से, और तुरंत लेटर लिए हैं और खाना खाया तुरंत। अब चले आए स्टेशन पे क्योंकि 9:30 बजे अपनी ट्रेन है, और यहाँ से तुरंत सुबह पहुँचेंगे कहाँ, मुगलसराय। फिर वहाँ से 1 घंटे बाद तुरंत बस पकड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं है वहाँ। ट्रेन ही नहीं जाती है, मतलब वीक में पर डे 1 ट्रेन जाती है और 1 ट्रेन आती है। तो वो ट्रेन मुझे मिलेगी नहीं यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो धनबाद से 1 ट्रेन जाती है वो सुबह शाम को 5:30 बजे जाती है, जो कि अब ऑलरेडी अभी 9 बजने वाले हैं। तो वो तो मिलेगी नहीं, अब कल मिलेगी। तो टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो सीधे मुगलसराय जाएंगे, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे। वहाँ से 200 किलोमीटर है बस बाई रोड, तो बस से चलेंगे। चलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये रही अपनी ट्रेन, लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे। यहीं से खुलती है, और अगर लेट नहीं करेंगे तो शाम को और सुबह में 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, टाइमिंग उसका है। तो ठीक है दोस्तों, रात हो चुकी है, बैठते हैं और सुबह मिलते हैं फिर आपसे मुगलसराय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, नींद भी लग रही है। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह में।